अफरोशा के हम आगे जाके देखें तो कुछ ज़्यादा ही साफ है, ये हिस्सा कुछ ज़्यादा ही गंदा है। हाँ। आप जहाँ रहती हैं मतलब कोई सुबह आके जॉगिंग भी नहीं कर सकता है, तो क्या कहेंगी इस स्वच्छ भारत अभियान? देखिए पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान को एक मिशन का रूप दिया है जो बिल्कुल सराहनीय है। और मुझे लगता है कि अगर हम लोगों को लगता है, हम सब देशवासियों को अगर लगता है कि हमें अपने घर को साफ़ रखना चाहिए, हमें अपने घर की सफाई रखनी चाहिए, तो वही थॉट हमें अपने देश के प्रति भी होना चाहिए कि हम अपने देश को भी साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि देश भी हम सबका घर है, सबका, हर एक देशवासी का घर है। सफाई से, स्वच्छता से रोग कम होते हैं, बीमारियाँ कम होती हैं, बीमारी होना घटेगी तो हर देशवासी प्रगति करेगा, देशवासियों की प्रगति से देश की प्रगति होगी, देश आगे बढ़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि स्वच्छता ही सही रूप में देश की सेवा है। तो मैं बस आप सबके द्वारा सारे देशवासियों को ये अपील करना चाहूँगी कि आप सब स्वच्छ भारत अभियान के प्रति अपना योगदान दीजिए, इसमें शामिल होइए, जो भी आप कर सकते हैं आप करें। आज मेरे पिताजी मेरे साथ आई, मेरी माताजी मेरे साथ आई, मेरे घर में लड़की काम करती है ये मेरे साथ आई, मेरी पूरी टीम आई, मेरी मैनेजर आई, मेरी पब्लिसिस्ट आई, सारी मेरी पूरी टीम मेरे साथ यहाँ पे आई, मेरे दोस्त आए हैं और बहुत मज़ा आया एक्चुअली हम लोगों को। ऐसा नहीं कि हम लोगों को लगा अरे हम लोग सफाई करते, मुझे तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो इसको करने में मज़ा भी आता है कि आप अपने तो हम लोग रोज़ ही कुछ ना कुछ करते हैं, कभी दूसरों के लिए कर लें, देश के लिए कर लें, तो इसमें सच में बहुत ज़्यादा आनंद आता है। और हम सब लोग जी रहे हैं आनंद को एक्सपीरियंस करने के लिए, तो इसमें है वो आनंद। बस मैं इतना ही कहूँगी कि बस थोड़ा सा एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम लोग साफ एनवायरनमेंट में ही जीना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, इस पूरे पृथ्वी पे एक इंसान ही है जो गंदगी फैलाता है और एक वो इंसान ही है जो गंदगी ठीक भी कर सकता है। तो अगर आप फैला रहे हैं तो आप ही उसको ठीक भी कर सकते हैं, बाकी कोई प्राणी नहीं है जो इसको गंदा कर रहा है इस देश को। तो बस मैं यही आप लोगों के द्वारा कहना चाहूँगी। इसके पहले आपने कभी इस तरह के सफाई अभियान में भाग लिया है? हम लोग सुबह अपने डॉग को बीच पे लेके जाते हैं, अभी उसकी थोड़ी तबीयत खराब होगी तो नहीं लेके जा पा रहे हैं। और हम लोग हमेशा देखते थे, मेरे फादर, मेरी मॉम, मैं, हम देखते थे कि लोग क्या करते हैं कि उनके डॉग्स चलते हैं और वो सुबह अपना पॉटी करते हैं वहाँ पे, जो कुत्ते करेंगे, और लोग अपने कुत्ते को पॉटी करा के आगे निकल जाते हैं, वो सोचते हैं कि कोई पीछे से आएगा वो साफ करेगा। हम लोग हमेशा खुद उठाते हैं, डस्टबिन जाते हैं उसमें डालते हैं। मैं आर्मी एनवायरनमेंट में बड़ी हुई हूँ, तो अगर आप में से कभी भी कोई भी आर्मी कंटोनमेंट में जाएगा आप सब देखेंगे कि यहाँ पे सब कुछ एकदम साफ़ सुथरा होता है, एक डिसिप्लिन होता है, तो वो हम लोगों के अंदर है क्योंकि हम उस एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं। और आज ये करके मैं इतना आपको बता सकती हूँ कि इससे जो मुझे आनंद मिला है वो बहुत ही किसी अनपैरेलल है। और मैं वापस आना चाहूँगी और वापस ये चीज़ वापस एक बार वापस दोहराना चाहूँगी। पापा जी जानना चाहेंगे कि अनुष्का आज तो बहुत साफ सफाई कर रही है, घर में कितनी साफ सफाई रखती है अनुष्का? दैट वाज़ शी इज़ वेरी पर्टिकुलर, इन फैक्ट एज शी सेड, वी इन आर्मी लिव इन सर्टेन डिसिप्लिन एंड दैट बाय इटसेल्फ यू नो टीचेस अस टू रिमेन क्लीन, कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, एंड इट्स वेरी स्मॉल एंड सिंपल थिंग बट इट्स अ वेरी वेरी वाइड एंड लार्ज इफेक्ट। So she is there, in fact, in the house, she keeps telling us with this, our helpers who are there to assist us in the house, कि ये गीले वाला अपने गीले में क्यों नहीं डाला, we have two dustbin, because the BMC has also now have a campaign where they want to have it wet and dry segregated, and there's a big campaign. So we are doing it already for the last about 2 years, that segregation, even if nobody was doing it. Now it is, we hope that people understand and she does it. और also जिस तरह से आप ये बात पूछ रही हैं, आप ऐसे पूछे जैसे बहुत बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं जिस तरह से आप पूछ रहे हो कि आप क्या करते हो, कुछ नहीं, सब लोग करते हैं, आपको भी करना चाहिए और ये बहुत नॉर्मल बात है, इसको इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को बोलना पड़ रहा है क्योंकि जो जितना ज़्यादा इसके बारे में बात होगी उतना ज़्यादा इंसान को एक अवेयरनेस रहेगी। जब आप रोज़ चल रहे हैं सड़क पे, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप कहीं पे भी निकल रहे हैं, आपको अवेयरनेस रहेगी कि यार मुझे गंदगी नहीं फैलानी है, क्योंकि मेरे पे अल्टीमेटली आके मेरे पे ही भारी होएगा और किसी पे नहीं। तो इसको आप बहुत ही अच्छे, पॉजिटिव और सिंपल तरीके से देखिए, जिस वजह से ये किया जा रहा है, जिस वजह से हमारे प्रधानमंत्री ने भी इसकी शुरुआत की है,
और इसको ज़्यादा ज़्यादा इसमें ज़्यादा डीपली जाने की कोशिश मत करिए, बस सफाई रखिए. ये सिंपल सी बात है, सफाई अपनी तरफ से जितना भी आप कर सकती हैं, हम सब कर सकते हैं, हमको करना चाहिए. और यही हम सबका एक, एक 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 जैसे मैंने कहा था पहले कि एक दृढ़ निश्चय रख लेना चाहिए अपने अंदर. थैंक यू सो मच. थैंक यू.